प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज क्वेश्चन टैक्स। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन टैक्स होता क्या है और इसका क्या यूज है। चलिए उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। इसका यही हिंदी होगा ना, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब अगला क्या है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछना हो गया ना। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, यही हुआ ना। अब ये देखिए सेंटेंस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इजंट ही। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, लेकिन इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि वह क्रिकेट खेल रहा है न। ठीक है, हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, कोई चीज बोल देते हैं उसके बाद बोलते हैं है कि नहीं, वह पटना जा रहा है कि नहीं, मोहन टॉप आया है क्लास में है कि नहीं, ऐसे बात करते हैं ना। ये है कि नहीं या न जो लास्ट में लगाते हैं वो क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है ना, अगर मैं इसे लिखूं तो इसका हिंदी क्या होगा, वह क्रिकेट खेल रहा है न। अब ये क्वेश्चन ही है, ये भी क्वेश्चन ही है, इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हिंदी में तो कॉमा नहीं होता है, लेकिन अपने समझने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कॉमा लगाते हैं। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये क्या है, सिंपल एसर्टिव सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट टाइप लग रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। और वही अगर लास्ट में मैं न लगा दूं तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन पूछने जैसा हो गया ना, कि वह क्रिकेट खेल रहा है ना। अब यस नो में इसका आंसर देना होगा ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये जब न लगाते हैं कुछ इसी तरह का मीनिंग हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन टैग देता है। He is playing cricket, isn't he? ठीक है, You are tall, aren't you? है कि नहीं, है या नहीं है, ऐसा पूछते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा में पूछा जाता है, इसका यूज करके सिंपल स्टेटमेंट बोल दिया जाता है और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, You are tall, सिंपल स्टेटमेंट है ना, बताइए You are tall, तुम लंबे हो। लेकिन यही अगर लगा दे aren't you, तो क्या हो गया, तुम लंबे हो न, तुम लंबे हो न। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ये कंप्लीट सेंटेंस जो है यहां से यहां तक ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यू आर टॉल आर्ट, तो समझ गए बात ना, कि हम लोग क्वेश्चन टैग का यूज क्या करते हैं, नाम ही है क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, इससे बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट होता है और उसके बाद एक कॉमा होता है इंग्लिश में, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला टैग लगाते हैं, राइट, यही होता है। अब टैग जो लगाते हैं वो अलग अलग तरीके से लगाते हैं। जैसे सिंपल स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो यूज करेंगे और उसका जो सब्जेक्ट होगा वो यूज करेंगे, राइट। जैसे देखिए अब एक चीज और, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है अफर्मेटिव में है स्टेटमेंट, तो हम लोग क्वेश्चन जो पूछेंगे निगेटिव टैग में पूछेंगे, निगेटिव में पूछेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन निगेटिव, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन हम लोग पॉजिटिव में पूछेंगे। ओके, हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। अब एक चीज और देखिए, यहां पर लिखा हुआ है यू आर टॉल आरंभ, तो यहाँ पे देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है वही यूज हुआ है यहाँ भी, तो क्या समझे, जो सिंपल फर्स्ट पार्ट में होता है सेंटेंस क्वेश्चन टैग का, जो स्टेटमेंट सेंटेंस है उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होता है टैग में। जैसे देखिए यहाँ पे है या ना, सी है या डॉल, यहाँ भी है जाया है। ठीक है, यू कैन लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ कैन है, यहाँ देखिए कैन आया है ना। दूसरा चीज, अगर पहला पार्ट जो है पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट, दैट मीन्स इसको सेकंड पार्ट अगर कहें
तो सेकेंड पार्ट होगा वो निगेटिव में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आर है तो आर अर्थ हो गया, यू आर डॉट पॉजिटिव है ना तो आर अर्थ लिखेंगे, आर और डॉट इसको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, आर अर्थ कहते हैं, ठीक है तो आर अर्थ लिखेंगे। सी हैज अ डॉग, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना तो हम लोग क्या करेंगे, हैज अर्थ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, हैज प्लस डॉट लिखे क्या हो गया, हैज अर्थ हो गया। अब यहां देखिए, अब यहां पे देखिए, हाँ यहां पे देखिए, मोहन इज नॉट डॉल इज ही। अब यहां क्या किया, यहां पे स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव नहीं है ये, नॉट है, देखिए इज नॉट, तो यहां पे इज नॉट है तो यहां इज अर्थ नहीं लगाएंगे, यहां इज लगाएंगे। अगर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है होगा तो यहां निगेटिव लगाएंगे, यहां अगर निगेटिव हो गया तो यहां पॉजिटिव आएगा, ओके। देखिए यहां पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहां पे देखिए ये निगेटिव आया है और यहां पे देखिए ये निगेटिव है, तो देखिए यहां पे पॉजिटिव आया है ना, तो ये होता है क्या, स्टेटमेंट पार्ट जो होता है पहला पार्ट, वो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम लोग क्वेश्चन टैग निगेटिव में पूछते हैं, अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में पूछते हैं, राइट। ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज, जो हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट वाले पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट में, वही हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग क्वेश्चन टैग पूछेंगे, ठीक है। तीसरा चीज, जो सब्जेक्ट होगा स्टेटमेंट का, वही सब्जेक्ट हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है। बस चेंज कब हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, यू कैन लिख द बॉक्स, यहाँ यू है तो यहाँ पे देखिए यू है, यहाँ सीता है, अब सीता नाम अगर हो, कोई भी नाम हो तो नाम को हम लोग ही सी इट दे पे चेंज करते हैं, जैसे यहाँ सीता है तो सीता के जगह पे यहाँ सी लिखेंगे, गॉट इट। रीता, रीता के जगह पे सी लिखेंगे। मोहन, मोहन के जगह पे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ओके। तो ये थर्ड पॉइंट है क्या, कि अगर जो भी सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट हम लोग क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे, लेकिन अगर नाम आ गया तो नाम के जगह पे ही या सी दे एक्सेट्रा यूज करेंगे, ओके। कोई वस्तु आ गया, कोई वस्तु आ गया तो उसके लिए इट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे यहां पे लिखते हैं द बॉक्स इज हेवी, ठीक है। अब क्या होगा, इजर्ट हो जाएगा ना, स्टेटमेंट पॉजिटिव है यहां इजर्ट हो जाएगा निगेटिव। अब क्या द बॉक्स लिखेंगे, नहीं, इस वस्तु के लिए क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो क्या बना, द बॉक्स इज हेवी इजर्ट इट, ओके। तो नाम आएगा तो ही या सी लगाएंगे, कोई वस्तु आएगा तो इट लगाएंगे, और अगर वस्तु प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, ओके। चलिए तो हम लोग क्या सीखे, एक तो सीखे क्वेश्चन टैग क्या होता है, कॉमा के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं, ये स्टेटमेंट को क्या करता है, इंट्रोगेटिव बनाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो भी स्टेटमेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। चौथा पॉइंट क्या हुआ, जो भी उसका सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे। पांचवा पार्ट, अगर नाम होगा तो ही सी लगाएंगे, वस्तु होगा तो इट या दे लगाएंगे, सिंगुलर होगा वस्तु तो इट, अगर प्लूरल होता बॉक्सेज होता तो दे लगता, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन टैग। अब चलिए देखिए दे प्ले हॉकी, अगला पॉइंट क्या है, दे प्ले हॉकी, अब इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ, तो क्या करें, वही अगर है यहाँ पे तो विल था, अब देखिए सीता विल भी दिया, यहाँ विल है ना, यहाँ पे वॉन्ट हो गया, विल प्लस नॉट मिल करके वॉन्ट हो जाता है। रीता प्ले लूडो, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ क्या आएगा, तो कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो या तो डू आएगा या डज आएगा या डिड आएगा। अब अगर वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू आएगा, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो डिड आएगा, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा तो डज आएगा, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे पांचवा फॉर्म है ना, तो यहाँ पे डज आया है, देखिए तो डज और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा तो डजंट हो गया, ओके। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो मेन वर्ब देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा,
तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है तो डू लगाएंगे, तो यहाँ देखिए डू आया है। अब अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में है या एंटी लगाएंगे नॉट लगाएंगे तो नॉट हो जाएगा, यानी नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ही प्लेड विल, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब देखिए मेन वर्ब में क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो हम लोग डिड लगाएंगे। तो देखिए डिड लगा, अब स्टेटमेंट क्या है, यहाँ यहाँ तक स्टेटमेंट जो है कॉमा के पहले क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ एंटी लगाएंगे एन अपोस्ट्रॉफी भी, तो डिडंट हो जाएगा, इसको डिड पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दे डू नॉट हेल्प अस, ओके। अब यहाँ पे डू आ गया, यहाँ पे डू आ गया, डू नॉट आ गया, तो यहाँ पे केवल डू आएगा, क्यों, क्योंकि नॉट यहाँ पे आया है तो यहाँ पे डोंट नहीं होगा, यहाँ पे डू होगा। राम हैज नॉट ईटन, अब यहाँ हैज आएगा क्योंकि नॉट तो आया नहीं है, आ गया है यहाँ पे तो यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे, हैजंट नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे केवल हैज। तो कॉमा के पहले वाला जो स्टेटमेंट होता है वो पॉजिटिव होगा तो टैग हमारा निगेटिव में होगा, वो निगेटिव होगा तो टैग हमारा पॉजिटिव में होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू, पांचवा फॉर्म होगा तो डज, और दूसरा फॉर्म होगा तो डिड होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग भरना है, ठीक है। चलिए देखिए द बेड वाज लिटर्ड विद पेपर्स, अब ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक तो वाज है तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, तो यहाँ निगेटिव होगा तो वाज हो जाएगा, वाज एन अपोस्ट्रॉफी टी, वाजंट हो गया, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, द बेड वस्तु का नाम हो गया ना, तो क्या करेंगे इट लगाएंगे, सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो क्या हो जाता है दे हो जाता, तो क्या बनेगा वाजंट इट, ओके। शी इज वियरिंग हर मदर्स ड्रेस, अब इन है निगेटिव, ये स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव होगा, तो निगेटिव कैसे बनाएंगे इधर, ओके। अब इसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट इजंट सी और क्वेश्चन मार्क, ओके। द वेडिंग इज नॉट इन दिसंबर, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ इज है ना और नॉट लगा हुआ, यहाँ निगेटिव हो गया है, निगेटिव हो गया है तो यहाँ पे इजंट नहीं होगा, वहां यहाँ पे केवल इज होगा, ओके। इज द वेडिंग यानी कि इज इट, ओके, इज इट। चलिए सी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो मेन वर्ब देखिए मेन वर्ब कौन सा फॉर्म है, यस यस लगा हुआ है तो पांचवा फॉर्म हो गया, पांचवा फॉर्म होता है तो हम क्या लगाते हैं डज, तो क्या हो जाएगा डज। और यहाँ ये स्टेटमेंट जो है ये पॉजिटिव में है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नॉट भी लगाएंगे वहां, तो डज और नॉट मिलकर क्या हो जाएगा डजंट, डज और नॉट मिलकर डजंट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है जो भी प्रोनाउन है सी, देन क्वेश्चन मार्क, ओके। निखिल वेंट स्क्यूबा डाइविंग, निखिल वेंट स्क्यूबा डाइविंग, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये कौन सा फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो मेन वर्ब चेक करेंगे, मेन वर्ब कौन सा फॉर्म में है, वेंट सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में मैंने बताया डिड लगाएंगे। अब ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव है तो नॉट भी लगेगा वहां, तो डिड और नॉट मिलकर क्या हो जाएगा डिड, डिड और एन अपोस्ट्रॉफी की डिड। इसके बाद क्या है निखिल, तो निखिल की जगह पे क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, ओके। दे टीच वेरी वेल, अब यहां पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब पकड़िए, टीच क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ डू लगेगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए कॉमा से पहले जो भी है स्टेटमेंट वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमारा नॉट भी यहाँ लगेगा, तो डू और नॉट मिलकर डॉन्ट हो जाएगा, ओके डॉन्ट। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे यहाँ पे लिख देंगे डॉन्ट दे, देन क्वेश्चन मार्क, ओके। सी इजंट क्विटिंग द कराटे क्लास, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इजंट यूज हुआ है, यहाँ इज है ना हेल्पिंग वर्ब, इज प्लस नॉट इजंट हुआ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, ये निगेटिव है तो यहाँ पे केवल इज लगेगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट क्या है निगेटिव है,
तो वहां पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, इज ही, देन क्वेश्चन मार्क, ओके। आई डोंट नो यू, अब यहां पर बताइए क्या होगा, ये डू प्लस नॉट है ना, ये स्टेटमेंट कॉमा से पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, वह पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये डू और नॉट है तो केवल डू लिखेंगे, यहाँ पे डॉट नहीं लिखेंगे, डू। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, आई है तो डू आई, एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, आई डोंट नो यू, डू आई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग को फ्रेम करते हैं। इसका कंप्लीट स्टेटमेंट जो होता है, कंप्लीट जो सेंटेंस होता है, वो क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ओके, थैंक यू।